एवरीवान वेलकम टू माई चैनल सबका स्वागत है सो गाइज थैंक यू सो मच आपने थम निल पढ़ के इस वीडियो को क्लिक किया है आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेटेड सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 वेलकम टू एवरीबडी इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू वेरी मच फॉर स्टॉपिंग बाई स आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल किट के बारे में फ्रॉम मैन मैटर्स विल बी अ कंप्लीट रिव्यू एंड आई एम श्योर जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने हेयर फॉल को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं हेयर फॉल को लेके उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है सो प्लीज स्टे ट्यून हेयर फॉल किट लुक्स लाइक दिस ये एक बहुत ही स्टर्डी बॉक्स है जो आपको मिलेगा इनके वेबसाइट पे इसको दिखाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑन द हेयर फॉल इशू हेयर फॉल किस तरह का होता है हेयर फॉल क्यों होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल गाइज बहुत ज्यादा आपके बाल निकल रहे हैं बहुत ज्यादा आपके बाल पतले हो गए हैं और बीत से टूट रहे हैं या फिर बालनेस हो गया है धीरे धीरे आपके जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है ये सब एक हेयर फॉल का निशानी है एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी क्यों होता है हेयर फॉल का हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न होता है जो मेजर रीजन होते हैं वो है जेनेटिक्स अगर आपके घर में फैमिली में किसी को हेयर फॉल के इशूज हैं बाल्डनेस का इशू है तो आपको भी बहुत जल्दी 25, 30 के आसपास आपको ये प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाएगा या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे सोचने लग जाते हैं तो भी आपको स्ट्रेस के वजह से हेयर फॉल होता है थर्ड इनडाइजेशन गलत खाना पीना उठना सोना के टाइमिंग्स मैच नहीं करना बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स इस सब चीज़ों के वजह से भी आपको हेयर फॉल के इश्यूज़ होते हैं सो so, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक चीज में आपके फॉल इश्यूज खत्म हो जाएं, आपको बहुत कुछ ना करना पड़े तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर एक बार ट्राई करिएगा बिकॉज दिस प्रोडक्ट manufactures this this brand manufactures products related to hair skin weight hygiene performance all these issues iske andar main aapko dikha dun kya kya hai iske andar ये चार चीजें आपको मिलती हैं एक एक करके हम देखेंगे सबसे पहले is a oil. देर इज एन ऑयल विच इज़ कॉल्ड हेयर ग्रोथ ऑयल ये ऑयल आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रोंग बनाने में बहुत मदद करती हैं मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि यू हैव टू अप्लाई ऑयल्स फॉर योर हेयर स्ट्रेंथ यू हैव टू अप्लाई आमला ऑयल यू हैव टू अप्लाई ब्रिंगराज ऑयल यू हैव टू अप्लाई यू नो बामी ऑयल सो इस हेयर ऑयल में यू हैव ऑल दीज ऑयल्स फाइव ऑयल का मिश्रण है इसमें एंड ऑल दीज ऑयल विथ द टीम हेल्प्स टू गेट रेड ऑफ योर फॉल इशू कैसे इसको यूज़ करना है इसको आपको रात को यू सर पे एक सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद छोड़ देना है रात भर और सुबह इसको आप शैम्पू करके वॉश ऑफ कर सकते हैं अगर आप रात भर नहीं रख सकते तो आप सुबह नहाने से पहले एक घंटा पहले आप इसको लगा सकते हैं तो so, इसमें ऑनियन ऑयल है इसमें ब्रिंगराज ऑयल है इसमें शिकाकाई ऑयल है इसमें ब्राह्मी ऑयल है और इसमें आंवला ऑयल है पांच ऑयल्स हैं जो आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और अगर आप बात करें ड्राइनेस और डैंड्रफ ये भी इससे दूर होता है तो प्लीज़ टू ट्राई दिस प्रोडक्ट एज हेयर ऑयल के बाद आपको मिलता है इसमें एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंटी हेयर फॉल शैम्पू फ्रॉम मैन मैटर्स इज अगेन वेरी रिमार्केबल मैं इसको यूज़ कर रहा हूं और मुझे बहुत ज़्यादा इसका जो स्मेल है ये अच्छा लगता है प्लस इसका जो फोम होता है ना उसके बाद ये फोम थोड़ा गायब हो जाता है और इन्ग्रीडियंट्स आपको लगेगा कि यह अंदर जा रही है मतलब इतने अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं ना और इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है वेन एवर यू आर डूइंग अ शैम्पू दैट इट गिव्स यू एन इंस्टेंट फीलिंग कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खास है एक तो ये ब्यूटीफुल पैकेजिंग है मैंने इसके पैकेजिंग के बारे में नहीं बताया आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से एक पैकेजिंग में आता है इन सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऐसा दिखता है बहुत ही हार्ड ही और स्ट्रॉन्ग बॉटल है बहुत अच्छा है इन्ग्रीडियंट्स की बात करें कोई भी हार्मुल केमिकल्स नहीं है प्लस इसमें है बायोटीन इसमें है कैफिन इसमें है आगन ऑयल बायोटीन आपके हेयर्स में विटामिन बी सेवीन प्रोवाइड करता है और आपके करेटीन लेवल को इन्हांस करता है कैफीन में एंटी होते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है प्लस जो इसमें आर्गन ऑयल है वो आपके हेयर को ड्राइनेस से बचाता है और डैंड्रफ से बचाता है तो हेयरफॉल तो है ही फिर डैंड्रफ से भी आपको ये शैम्पू बचाएगा इसको कैसे यूज़ करें आपने हेयर ऑयल लगा लिया और रात को लगा के सो गए उसके बाद सुबह उठे और इस शैम्पू से अपने बालों को अच्छी तरह से धो लिया कैसे लगाना है अच्छे से इसको एक बार दो मिनट के लिए थोड़ा सर्कुलेशन मोशन में धो लिया उसके बाद दो मिनट ऐसे आप रख दीजिए इसको ताकि इंग्रेडिएंट्स थोड़े सीपिन हो जाए एब्जॉर्ब हो जाए हेयर फॉलिकल्स में स्कैल्प में दो मिनट रखने के बाद आप इसको नॉर्मल रेगुलर वाटर से धो लीजिए उसके बाद जब आपका बाल थोड़ा सा डैम्प हो जाए जब आप थोड़ा सा पोच ले अपने बालों को टावल ड्राई हो जाए तो ये हेयर स्ट्रेंथनिंग सीरम यूज करिए फ्रॉम मैन मैटर्स ये सीरम अगेन बहुत सारे सीरम्स मैंने यूज़ किए हैं ये सीरम का एक अलग ही बात है बिकॉज एक तो अरोमा इसका बहुत अच्छा है और बहुत इफेक्टिव है और बहुत कम क्वांटिटी लगता है अगर मेरे जैसे बाल हैं तो आपको एक ड्रॉप लगेगा अच्छे से इमंसीफाई कर लीजिए अपने हाथों में और इसको सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स में लगाइए सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स में लगाइए बहुत लोग बहुत गलती करते हैं कि इसको स्कैल्प पे लगा लेते हैं प्लीज़ ये स्कैल्प के लिए नहीं है एक यूट्यूबर का मैं रिव्यू देख रहा था उसमें उसने बोला कि ये आप अपने स्कैल्प पे मसाज भी कर सकते हैं सीरम को बट प्लीज़ डोंट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प इट इज़ नॉट मेड फॉर इट इट हेल्प्स टू मेक्स योर हेयर स्ट्रैंड सॉफ्ट एंड स्ट्रेंदेड बट स्कैल्प पे मत लगाइएगा इसको भी आप डैम्प हेयर पे लगा के छोड़ सकते हैं अगर आप को बाद में लगता है कि नहीं मेरा हेयर हाँ, बहुत ज्यादा फिर से ड्राई हो गया है तो फिर से आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस फॉल किट इट इज दिस गमीज ये फॉल गमीज़ है जो आपको एक दिन लेना है देखिए ऐसा ये दिखता है ये फॉल गमीज़ है आपको मैं थोड़ा सा एक बार दिखा भी देता हूँ आपको ये गमीज़ ये देखिए ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है ये नॉर्मली आप खा सकते हैं दिन में एक बार इसमें क्या है इसमें है बायोटीन इसमें है मल्टीविटामिन इसमें है जिंक तो अगर आपके बालों को ना अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं मिलते हैं विटामिन नहीं है आपके बायोटीन लेवल कम है आपका जिंक लेवल कम है आपका विटामिन लेवल कम है आपका तब भी तब भी आपको हेयर फॉल इश्यूज होते हैं तो ये अगर आप एक दिन में एक लेना है आपको लेते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है आपने एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स तो यूज कर लिए हैं ये सब तो आपने यूज कर लिया अंदर से भी आप ये गमिस खा के अंदर से भी अपने हेयर्स को स्ट्रांग बना सकते हैं प्लस ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी शुगर कंटेंट नहीं है अगर आपको लगेगा टॉफी है ये मेरे शुगर कंटेंट को बढ़ा देगा या मोटा कर देगा ऐसा कुछ नहीं है ये शुगर फ्री गमीज़ है प्लीज डू ट्राई सो so सोज ये थे चारों प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन मैटर्स हेयरफॉल किट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये और इसमें सबसे पहले कोई पैराबेन सिलिकॉन सल्फेट कुछ नहीं है कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है प्लस इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड वांट टू गो टू देयर वेबसाइट यू कैन क्लिक ऑन डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैन मैटर्स डॉट कॉम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड देयर इफ़ यू गो यू विल सी कपल ऑफ थिंग्स यू विल सी अ सेल्फ असेसमेंट यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट सेल्फ असेसमेंट बटन एंड यू विल हैव ऑल द थिंग्स लाइक इस अगर आपको हेयर से जानना है परफॉर्मेंस में जानना है वेट में जानना है और ऑल ऑफ द अबव में आपको कुछ क्वेरीज हैं यू कैन गो यू जस्ट हैव टू फिल वन फॉर्म देर इज अ बेसिक डिटेल्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वेट एंड हाइट एंड देन डज एनी वन इन योर क्लोज फैमिली हैव द लॉस हैव हेयर लॉस सो लाइक क्वेश्चन है एक वो फिलअप करिए कि आपके फैमिली में किसी को है आप क्या खाना खाते हैं हाउ मेनी पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू यूजली ईट इन अ डे विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू आइडेंटिफाई विद आई केव शुगर फूड्स एंड सॉल्टी स्नैक्स आई यूजअली स्किप मिल्स ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं स्ट्रेस लेवल क्या है कैसे आपका स्लीपिंग पैटर्न है आप स्मोक तो नहीं करते रेगुलरली एक Uh, फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और उसके बाद आपका आपके वेलनेस प्लान रेडी है एंड दे विल रिकमेंड यू द प्रोडक्ट्स विच यू रिक्वायर एज पर योर आंसर्स सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लीज़ गो एंड सी दे वेबसाइट आई होप यू विल बेनिफिट अ लॉट अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा प्लीज़ गिव दिस हेयर फॉल किट की ट्राई अगर आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखिए एंड आई एम रियली 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 होपफुल दैट आपको ये प्रोडक्ट्स काम आए और आपके हेयर फॉल को कम करें लेकिन प्लीज़ एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द की कंसिस्टेंट अगर आप हैं तो हर प्रोडक्ट आपको काम करेगा अगर वो अच्छा है तो जैसे ये कंपनी है मैन मैटर्स मैन पैटर्स अगेन मैं थोड़ा और बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज की मेक श्योर कि आप कंसस्टेंटली uh, ये सब जो दिया हुआ है हेयर ऑयल शैम्पू सीरम एवरी डे आपको यूज़ करना है जैसे जैसे आपको बताया गया है अगर आप uh, कोई किट मंगवाना है मंगवाते हैं तो एक यहाँ पे आपको ये ऐसे कार्ड भी मिलेगा जहाँ पे आप पिन पॉइंट कर सकते हैं एवरी डे आपने यूज़ किया क्या आपका डेवलपमेंट हुआ कैसे आपको यूज़ करना है ऐसे टिक किया हुआ है ये देखिए ये सब दिया हुआ है टिक कर करके दिया हुआ है कि कैसे इसको यूज़ करना है तो ये सब चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं ना गाइज तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा प्लीज़ पेशेंस लेवल रखिएगा एक महीना काम नहीं किया कोई प्रोडक्ट आपने इसको फेंक दिया प्लीज़ डोंट डू दैट कोई भी प्रोडक्ट फिर आपको काम नहीं करेगा हर प्रोडक्ट को काम करने के लिए कम से कम एक से डेढ़ महीना दो महीना लग जाता है तो कंसिस्टेंस रहिए और यूज करिए मैन मैटर्स के प्रोडक्ट थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो टिल नाउ एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो